प्रभु के बिना यदि आप भगवान से अलग होते हो तो किस प्रकार है ये जीवन? जिस प्रकार अंक से अलग होकर के शून्य की कोई कीमत नहीं है, उस प्रकार भगवान से विमुख होकर के इस जीवन की कोई कीमत नहीं है। शून्य जो होता है वो बिना अंक के किसी काम का नहीं है। चाहे आप करोड़ों शून्य रख दो, लेकिन जब तक उसके सामने अंक नहीं है वो शून्य का शून्य ही रहेगा। उसके सामने अंक रख दीजिए, एक रख दीजिए, एक शून्य बना दीजिए, दस बन जाएगा। एक एक शून्य जोड़ते जाइए, कई करोड़ों में उसकी कीमत हो जाएगी। उसी एक को हटा दीजिए तो वो फिर से शून्य हो जाएगा। उसी प्रकार ये जीव है राजन, कि जब तक प्रभु के सन्मुख है तब तक ही इसकी आयु है, इसकी कीमत है। और जब भगवान से विमुख हो गया तो इसकी कोई क्षमता, कोई ताकत, कोई कीमत नहीं। कैसे? रावण के पास सब कुछ है लेकिन क्या नहीं है? राम नाम की इकाई नहीं, राम नाम का वो सिक्का नहीं है। कहा ना कि एक लाख पूत सवा लाख नाती वा रावण के दीवाना बात। सब कुछ है, इतना बड़ा साम्राज्य है, सब खत्म हो गया महाराज, अंतिम संस्कार तो क्या कोई रोने वाला नहीं बचा, कोई उसकी मृत्यु पे रोने वाला नहीं बचा। ऐसी रावण की दुर्गति। मंदोदरी ने कहा कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवन हारा। राम से विमुख होकर के जिसके एक लाख पूत सवा लाख नाती उस रावण के घर आज कोई रोने वाला नहीं है, तो फिर हम तो रावण से बहुत छोटे हैं। और उसी विभीषण को देख लीजिए, विभीषण के पास कुछ भी नहीं है, एक राम नाम की इकाई, एक राम नाम का सिक्का है, सब कुछ है उसके पास, धन है, वैभव है, संप्रदाय है, सब कुछ है। तो राम से जो विमुख है वो किसी काम का नहीं, और राम के जो सन्मुख है उसके पास सब कुछ है। इसलिए राजा जीवन की ये कलिमा है जो क्या पता किस क्षण खत्म हो जाए। इसलिए इस जीवन को भगवान से जोड़ दो, मन की चंचलता मिटा दो, समाप्त कर दो, उसी क्षण तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यही परम कल्याण का साधन है।